हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास कैनन का G2010 प्रिंटर है, जिसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो है इसके अंदर कि इसके अंदर ब्लैक पेपर जो है निकल के आ रहा है, इसके ऊपर कुछ भी प्रिंटिंग नहीं हो रही है। तो आज हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि ये जो ब्लैंक पेपर आ रहा है, ये ब्लैंक पेपर क्यों आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, मैंने अभी एक प्रिंट दिया है जो मैं आपको दिखाने के लिए इसके अंदर एक प्रिंट निकाल के आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो इसके साइड, दोनों ही साइड कोई भी प्रिंटिंग जो है वो होके नहीं आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पेज को वापस लगा देंगे अपने प्रिंटर के अंदर, और अब हम जाएंगे जो आप पावर का बटन है उसके नीचे जो है बटन दिया हुआ है टूल्स का, उसके ऊपर प्रेस करेंगे। उसके बाद में नीचे जो प्लस का बटन दिया हुआ है इसको 10 बार प्रेस करेंगे। इसको 10 बार प्रेस करने के बाद में इसकी जो हेड क्लीनिंग होगी, तो हमने 10 बार प्रेस कर दिया। उसके बाद में जो कलर का बटन दिया हुआ है नीचे, एक ब्लैक का है और एक कलर का है, तो कलर वाले जो है उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद 10 से 15 मिनट लगेंगे इसके अंदर, जो इसकी हेड जो है वो क्लीनिंग होगी। इसके अंदर कुछ साउंड्स आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं एक लिखा हुआ आ गया इसके अंदर। तो अब हम कलर प्रिंट देंगे इसके अंदर, तो एक कलर प्रिंट के ऊपर क्लिक कर दिया हमने। अब हमारे जो प्रिंटर के अंदर है एक प्रिंट आएगा, आप देख सकेंगे वो जो प्रिंट है वो उसके अंदर जो है, जो पहले ब्लैंक पेपर आ रहा था अब वो ब्लैंक पेपर नहीं आएगा, और प्रिंट है, प्रिंट होके ही हमारा पेज जो है वो बाहर आएगा। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने जो प्रिंट दिया है वो प्रिंट होके आ रहा है। तो अपन चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो प्रिंटर है वो एकदम ठीक हो चुका है, और प्रिंट जो है वो प्रिंट होके आ रहा है। तो जो भी हम प्रिंट देंगे वो प्रिंट होके आएगा। तो इस तरह से हम इसकी जो है ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो अब देखो, मैंने एक भी छोटा सा कोई भी पेपर रखे उसकी प्रिंट निकाली थी, तो आप देख सकते हैं इसके एकदम प्रिंटिंग ओके है। बाकी जैसे 4 5 7 पेपर आप निकालेंगे तो और भी अच्छी जो इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी।